हमारे चुनौतियों के सभी हीरोज दूसरे के लिए कुछ स्वादिष्ट डिश बनाएंगे, जैसे कि बड़ा सा केक। ये तो आसान है, बस देखो ये कितना सुंदर है। हाँ लड़कियों, चलो चाय के लिए चलते हैं। मैं तुम्हारे केक का मजा लेना चाहती हूँ। सभी चीज बहुत ही स्वादिष्ट और अलग सा दिख रहा है, मैं बस उसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। अरे ये क्या है, कितना अच्छा, यमी यमी। वाओ, अरे लिंसे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने उसे सभी के लिए तैयार किया था। अरे झगड़ो मत, चलो ये चुनौती का समय है। शुरुआत करते हैं चॉकलेट बार से। मुझे चॉकलेट केक चाहिए, अलग सा है लेकिन बनाएंगे आसानी से। अरे हाँ, चॉकलेट बार के रूप में केक बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मुझे अपने रुकजैक से सभी सामान को बाहर निकालना है, जो मेरे बैग में अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। और सबसे पहले हमें रैपर को हटाना होगा। चलो सारे को हटा देती हूँ। वाओ! अरे यहाँ गंदा फैलाने का क्या मतलब है? तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? ओह मुझे माफ करो, मैं बस ऐसे बहक गई थी। मैं छोटे छोटे चॉकलेट से एक बड़ा सा चॉकलेट बार बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ब्रिटनी आराम से, तुम इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं लिंडे को अपना केक खिलाने के लिए उत्सुक हूँ। वास्तव में ऐसा करने के लिए मुझे हेयर ड्रायर से बार को पिघलाने की जरूरत है, ताकि वे एक साथ हो जाए। वाओ, यह तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तैयार हो गया, अजीब है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक गुच्छा है, मैं कुछ और दिलचस्प बनाऊंगी। न्यूटेला को एक सांचे में डालते हैं, फिर उसमें अलग अलग फल डालेंगे, फिर हमें कुछ स्वादिष्ट और अलग तरह का चॉकलेट मिलेगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आप केवल न्यूटेला को हार्ड करना बाकी है। बहुत सुंदर दिख रहा है दादी, यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं भी चॉकलेट पेस्ट से कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं कैसे चुनूंगी? मुझे लगता है कि मैं गुलाबी किटकैट पेस्ट लूंगी। हाँ, यह गुलाबी वाला, यह किटकैट पेस्ट है, जिसे मैं अंडे के आकार के सांचे में फैलाऊंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुझे अपने खुद का बनाया हुआ किंडर मिल सके। वाओ! और अब इसे जमाना होगा और तब यह तैयार हो जाएगा, और मैं इसे लिक्विड नाइट्रोजन से करूंगी। वाओ! अब मेरे पास घर का बना चॉकलेट अंडा है। अब मुझे इसे ऊपर से काटना होगा और फिर अंडे को विभिन्न आकार के चॉकलेट पेस्ट से भरेंगे। वाह, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही अधिक स्वादिष्ट होगा। चलो करते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी। सभी पेस्ट अंडे के अंदर होने के बाद केवल अंडे को बंद करना और कुछ सजावट करना बाकी रहता है। मेरे फूलों से ढके हुए एक यूनिकॉर्न के रूप में होगा। मुझे लगता है कि यह बहुत बहुत सुंदर होगा। ओ, 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 दादी, क्या आपका भी सब तैयार है? हाँ तैयार है, फलों और बेरीज के साथ मेरी चॉकलेट तैयार है। लिंसे के लिए चुनने का समय है कि सबसे अच्छी चॉकलेट डिश किसने बनाई है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहली चीज जो मैं टेस्ट करूंगी वह है ब्रिटनी का ये चॉकलेट मिक्स। वाओ! मुझे ये बहुत पसंद है। वाओ, स्वादिष्ट! मुझे ये सभी बार पसंद है। अब मैं दादी के इस अलग अलग तरह के सुंदर चॉकलेट को टेस्ट करने जा रही हूँ। वे बेरीज और फलों के साथ है। वाओ, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, मुझे इस तरह की चीज बहुत पसंद है। अद्भुत,
देखा, शेफ मैंडी के इस मीठे अंडे को आजमाना बाकी है। यह बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसके अंदर तरह तरह के चॉकलेट पेस्ट है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। वाओ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे माफ करो, लेकिन ये सबसे अच्छा है जिसे मैंने अभी आजमाया है। शेफ, आपकी जीत पर बहुत बहुत बधाई। ओह, कितना अच्छा। खैर, इस बार मुझे कुछ और सीरियस चीज चाहिए। मेरे लिए वफल बनाओ। यह कैसे किया जाता है, मैं इसे जानती भी नहीं। हाँ, यह सबसे आसान है, मैं इसे आसानी से बना लूंगी। यह दिलचस्प है। चलो अब हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आटा गूंदना है। इसके लिए हमें आटा और फिर अंडे चाहिए। ओह, क्या तुम मुझे हरा सकती हो? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास जीवन का बहुत अधिक अनुभव है। चलो, अब केवल डो बनाना बाकी है। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। क्या आप विस्क से करेंगे? मेरे पास यहाँ एक विशेष मशीन है, यह आपसे बेहतर है और ये बहुत जल्दी बना देता है। ओह वाह, देखो एकदम सही, सब तैयार हो गया। बस इसे वॉफल मेकर में डालना बचा है। मेरा भी तैयार है। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? वैसे भी वॉफल को डो से बनाया जाता है, ये जरूरी नहीं है। च्युइंगम से वॉफल क्यों नहीं बनाया जाए? इससे अच्छा क्या होगा? बस वॉफल के सांचे में हबा बबा के रोल को डालने की जरूरत है और ध्यान ये रखना है कि ढक्कन बंद होना चाहिए। हाँ, और यह निश्चित रूप से अब बंद होने वाला है। ओह हाँ, चलो बंद हो गया। मेरे पास सब कुछ तैयार है। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो देखते हैं। ओह, मैंने सब तैयार कर लिया। देखो, ये वास्तव में बबल गम फ्लेवर वाले वॉफल बने हैं। बेशक उन्हें निगल नहीं सकते, लेकिन उसे खा सकते हैं। और अगर मैं उनके ऊपर सिरप डालूंगी तो ये इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा है, जादुई। वाओ, आप वॉफल को किससे सजाओगी? इसका विकल्प बेरीज और मैपल सिरप है। उनके साथ वॉफल स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होंगे। वाओ, मेरे तो जीभ से पानी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं वॉफल को इंद्रधनुष में बदल दूंगी। सबसे पहले मुझे कैंडी स्वाद के साथ रंगीन खाद्य रंगों की जरूरत है। मैं उन्हें सही रंगों में वॉफल को रंगने के लिए उपयोग करूंगी। हाँ, मेरे पास सारे रंग हैं जो मुझे चाहिए। वाओ, और आगे बस एक रेनबो बनाने और बादलों को जोड़ने की जरूरत है, या कहें तो व्हिप्ड क्रीम। यह बहुत अच्छा है। तो लिंसे, यह चुनने का समय है कि कौन जीत रहा है। वाओ, सब कुछ कितना सुंदर है। मैं पहले रेनबो वॉफल खाना चाहती हूँ, वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाओ, ये बहुत रंगीन है और यह बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं दादी के वॉफल के खाऊंगी। वे बेरीज के साथ है और मुझे बेरीज बहुत पसंद है। वाओ, अद्भुत स्वाद। और अब बचा है बबल गम फ्लेवर वाले वॉफल। यह सिर्फ सुंदर और स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि असली भी लग रहे हैं। अद्भुत स्वाद। वाह, यह तो कमाल का है। देखो, बबल भी बना सकती हूँ। और यह पक्का जीत रहा है। ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पे बधाई। हुर्रे, मैं जीत गई। वाओ, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार चुनौतियों को मिस ना करें। यह आगे और भी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कहीं ना जाएं।